अच्छा हुआ शिल्पा के आप तशरीफ लाए, क्योंकि हमको बोनस में एक और फिल्म का तो जब ये पहला वेव ऑफ रेजिस्टेंस जो था शेट्टी साहब का, वो तो शिल्पा ने और मिसेस शेट्टी ने जो है सबसाइड कर दिया था। फिर जब आपने भी कहा कि अब मैं भी करने वाली हूँ, तो शेट्टी साहब ने कहा कि यार ये तो ये औरतें जो है मुझे चली सी जिंदगी, इन्होंने क्या, व्हाट वाज योर फादर्स रिएक्शन? Actually, he was quite cool about it. Yeah, he didn't really react the way he reacted when Shilpa decided to get into the film industry. So I think it made it a little easier for me. ये आपके बारे में बहुत protective type की sister है क्या? Well, she does give me her advice. Marwa definitely deti rehti hai, lekin I give it, but she never takes. No, I take a lot of her advice. And sometimes we end up into huge arguments, but then we love each other, so we hug and then we discuss. You fight and you hug. Yeah. ये जब बहुत छोटी थी और जिन दिनों की बातें आपको भी शायद याद हों, कभी ना भी याद हों, और फिर आफ्टरऑल आप इनकी बहन हैं, तो कुछ बातें आप बताएं ना बताएं, मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूँ जो इनकी दो चार पोल और खोल दे। आप जरा यहाँ रुकिएगा जरा, हाँ प्लीज आप तशरीफ लाए। वंदना सूरी को जिस तरह इन्होंने ग्रीट किया और वंदना ने जिस तरह शिल्पा को ग्रीट किया, ये देख के हम सब समझ गए कि ये एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। वंदना, मैं आपको बता दूं कि शिल्पा की स्कूल की भी साथी हैं और कॉलेज की भी साथी हैं और बहुत करीब से जानती हैं। तो अब आप बताइए कि दरअसल शिल्पा कैसी लड़की थी जब वो स्कूल में थी, जब वो कॉलेज में थी, और अब जब कैसी है? ओह गॉड, शी वाज अ ब्रैट, मोस्ट वांटेड में आती थी, हॉट प्रॉपर्टी आई मस्ट से, एंड आई थिंक वन थिंग आई वांट टू वार्न ऑल ऑफ यू ऑल इज नेवर पुट बेट्स विद शिल्पा, मतलब बिकॉज़ उसे कोई शर्त ना लगा। हां जी, बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ शी इनवेरिएबली हैज टू विन इट। I just want to share this little incident in college. That one? Yeah. Somebody just put a bet with her in this Chinese restaurant. You know, it was a bet ke jitni bhi wahan sauces padi thi table pe, she had to mix it and drink it, and whatever was there in the pocket of that person had to be hers. और ये पूरा चाइनीज में तरह तरह के मतलब तीखे सॉसेस, मतलब टमाटर का शेजवान, वो जो गंदा सा ब्राउन कलर का सॉस कुछ टेबल पे, तो आई डोंट इवन नो हाउ आई डिड इट, आई जस्ट पुट इट ऑल इन दैट वन ग्लास एंड आई। अच्छा, उसमें सामने वाले ने क्या कहा था, जितने मेरे पैसे जेब में पैसे हैं? वो बेचारे के जेब में कुछ 250 रुपए उसकी पॉकेट मनी थी जो उसने रख लिए, जस्ट गॉन। उन दिनों की आपको कुछ तस्वीरें बताना चाहता हूं। ओह माय गॉड, दिस इज दैट टाइम, आई डोंट नो। शिल्पा बहुत मतलब पढ़ाकू ब्राइट स्टूडेंट थी या ठीक ठाक से स्टूडेंट थी? शिल्पा ने एक लंबी सी घूंट थी। पढ़ाकू तो ये थी मैं बिल्कुल, मतलब ये तो मतलब सीए भी बन गई है। आई यूज्ड शी टू टीच मी, बड़ा कॉपी करती थी वो, मैंने आपको बताया नहीं है। जी ये सुबह 7 बजे मेरे घर में आया करती थी और पूरे अपने हाथों से आंसर लिखवाया करती थी, वंदना कैमरा पे इम्तिहान के। अच्छा अच्छा, एक बार अगर सुबह जल्दी उठ गई तो बिग थिंग। गुड गुड गुड।